नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल ग्रुप चैनल पर। आज हम लायोफेन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। लायोफेन टैबलेट का मुख्य उपयोग मांसपेशियों की बीमारी हो जैसे कि जकड़न, तनाव और कठोरता के इलाज के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह टैबलेट कैसे काम करती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को आगे तक जरूर देखें। सन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की 10 टैबलेट की यह स्ट्रिप आपको 113 रुपए में डॉक्टर के पर्ची पर किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगी। बात करते हैं इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट के बारे में। लायोफेन टैबलेट में बैक्लोफेन IP 10 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद बैक्लोफेन यह एक मसल रिलैक्सेशन दवा है। यह मांसपेशियों की कठोरता और ऐंठन को कम करने के लिए ब्रेन और रीढ़ की हड्डी पर काम करता है, जिससे मांसपेशियों की ताकत बनी रहती है। यह दर्द से राहत देता है और मांसपेशियों की गति में सुधार करता है। बात करते हैं इस टैबलेट की यूज़ की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग मुंह चाने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है और साथ ही नस पर नस चढ़ने की समस्या, मांसपेशियों में दर्द होने की समस्या और साथ ही पेशी और मोटन की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं और साथ ही टॉर्टिकोलिस की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। यह गर्दन की मांसपेशियों से जुड़ी हुई एक समस्या है, जिसके कारण सिर एक और झुक जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट्स महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट से आपको उलझन, ऐंठन, चक्कर आना, ऊँगना, पेट में खराबी होना, दुर्बलता, सांस लेने में तकलीफ होना, एडिमा, उच्च रक्तचाप, नाक बंद होना और साथ ही बेहोशी, यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह टैबलेट लेने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट महसूस होते हैं तो इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करिए, ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंटरेक्शन ना हो। यदि इस टैबलेट का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर ले, उसके बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। यदि आपको लीवर या फिर किडनी जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के अनुसार करें। यह टैबलेट लेने से पहले या फिर बाद में अल्कोहल का प्रयोग ना करें और साथ ही यह टैबलेट लेने के बाद ड्राइविंग ना करें। बात करते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस टैबलेट का डोज आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मेसी से पूछ लें। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस टैबलेट का डोज अलग हो सकता है, इसलिए इस टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। अडल्ट व्यक्ति इसे दिन में 2 टैबलेट सुबह और शाम खाना खाने के बाद ले सकते हैं या फिर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार भी इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और मेडिकल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।